से ऑर्डर कैसे किया जाता है, मुझे मालूम है कि आप लोग ऑर्डर कर लेते हो बट फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है आगे चल के रिफंड का, रिटर्न का, ऑर्डर अच्छा नहीं आया, तो भाई 24 की वीडियो होने वाली है, बहुत शानदार बताऊंगा तरीका, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बनाता हूँ तो मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए भाई यहाँ पर देखो मैं फ्लिपकार्ट पर हूँ और मैं एक इस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। मुझे भाई ये टी शर्ट को परचेज करना है, मान लीजिए कि आपको कुछ भी परचेज करना है वो आपकी मर्जी है। देखो इसकी रेटिंग जो भाई 4 पॉइंट की रेटिंग है, रेटिंग हमें देखना जरूरी होता है। देखो भाई यहाँ पर लिखा बेस्ट प्राइस चल रही है और रेटिंग काफ़ी शानदार है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, और इतना प्राइस आपको दिख रहा है। साइज भाई करना है यहाँ पर सिलेक्ट, मैं कोई एक साइज करता हूँ सिलेक्ट। साइज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है 10 डेज रिटर्न पॉलिसी, मतलब ये ऑर्डर हम बाद में रिटर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान हमेशा देना, अगर आप नहीं देते हो फिर बाद में आपको दिक्कत या तकलीफ होगी भाई, ठीक है ना। ऑर्डर कब आएगा, ऑर्डर हमारा 18 दिसंबर को आ जाएगा, आज 8 दिसंबर है मतलब 10 दिन के अंदर आ जाएगा, तो चलो ठीक है इतना चलता है। नीचे आते हैं, आपको भाई एक बात का ध्यान और रखना हमेशा कि नीचे आता है आपको ये देखना है कि इसके रिव्यू कैसे हैं। देखो भाई इस टी शर्ट को काफ़ी सारे लोगों ने परचेस किया है और अभी तक यहाँ पर देखो इन्होंने पहन के फोटोज़ को डाला है और लिखा है कि ये ऑर्डर कैसा है, इसमें क्या अच्छी चीज़ है, तो पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये ऑर्डर अच्छा है। चलिए अब हम सिंपल बाय नाउ में क्लिक करेंगे और बाय नाउ में क्लिक करने के बाद एक बार ध्यान और देना कि कभी कभी होता क्या कि ऑर्डर काफ़ी लेट आता है, मतलब ऑर्डर काफ़ी लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो ये होता भाई आपके एड्रेस के कारण, ठीक है ना, आपके एड्रेस जो होता है उसके कारण होता है। तो हमें एड्रेस करना क्या है कि हमें एड्रेस को प्रॉपर डालना है और पूरा एड्रेस फिल करना है। कुछ लोग नाम डाल देते हैं, स्टेट नाम डाल देते हैं और पिन कोड और ख़त्म कर देते हैं। हमें गांव, मोहल्ला, चौक जो भी होता है सब कुछ फिल करना होता है, ठीक है ना। इतना एड्रेस फिल कर दिया, नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो आने के बाद यहाँ पर हमारा ऑर्डर इतना प्राइस का है, इतना डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। सिंपल कंटिन्यू में क्लिक करेंगे भाई और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अभी देखो पेमेंट गया है कि फ्लिपकार्ट पे एक अच्छी बात है कि आप कोई भी ऑर्डर करो आपको सीओडी पर मिल जाता है। आप 500 रुपये के ऊपर जाओगे या कुछ और जाओगे एक्स्ट्रा तो फिर सीओडी पर भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है पहले से, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट मुझे बेटर लगता है क्योंकि सीओडी यहाँ पर हमेशा रहता है अवेलेबल। चलिए भाई यहाँ पर हम सीओडी पर ही क्लिक करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मतलब होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है भाई प्लेस ऑर्डर, मतलब यहाँ से हम जैसे क्लिक करूँगा मेरा ऑर्डर 100% हो जाएगा। पहले प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो लिखा कन्फर्म ऑर्डर, ठीक है ना। हम जैसे इस पर कन्फर्म करेंगे हमारा ऑर्डर हो जाएगा, देखो ये रेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा ऑर्डर अब हो चुका है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑर्डर हो चुका है, अब ये ऑर्डर 18 दिसंबर के पहले मुझे पहुँचा दिया जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो आसानी से। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।